मैं सीरीज बना रहा हूं उसका यह पांचवा लेक्चर है और आज हम अध्ययन करेंगे शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना का। यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी आलोचना के केंद्र में रखकर चलते हैं तो हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास क्रम को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। अभी तक हम पढ़ चुके हैं शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, इसके अंतर्गत हम भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना का अध्ययन कर सकते हैं, कर चुके हैं और आज हम अध्ययन करेंगे शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना का। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो हिंदी आलोचना है उसे कहा जाता है शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना की विभिन्न प्रवृत्तियां हैं, विभिन्न धाराएं हैं जिसे हम विभाजित कर सकते हैं, स्वच्छंदतावादी हिंदी आलोचना, ऐतिहासिक हिंदी आलोचना, मार्क्सवादी हिंदी आलोचना, मनोविश्लेषणात्मक हिंदी आलोचना और नई समीक्षा। तो आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वह है शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय में हिंदी आलोचना की क्या स्थिति थी और कौन कौन से महान आलोचक उनके समय में हुए हैं और उनकी कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो यह हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास सीरीज का मेरा पांचवा लेक्चर है। यदि अभी तक आपने मेरे चार लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनका लिंक आपको दे दूंगा, तभी आप इसको भली भांति समझ पाएंगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना की क्या विशेषता है देखते हैं। वास्तव में परीक्षाओं में कई बार अलग अलग प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, जैसा शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना की व्याख्या और विवेचना करिए, तो ये जो एपिसोड है उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और क्रमानुसार, काल क्रम के अनुसार आपको हिंदी आलोचना को समझने में इससे मदद भी मिलेगी कि हिंदी आलोचना का विकास क्रम क्या है। और यदि सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, अलग से प्रश्न भी आता है कि शुक्लकालीन हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना की क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रवृत्तियां हैं, तब भी आप इसको लिख पाएंगे। वास्तव में हिंदी आलोचना का पूर्ण रूप शुक्ल युग में ही निखर पाया और इसका पूरा श्रेय इस युग के प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। मतलब हिंदी आलोचना का जो प्रौढ़ रूप है, जो मैच्योर रूप है, वह इसी समय निखर कर आया। शुक्ल युग से पूर्व दोष दर्शन, मतलब रचनाओं में कमियां निकालना, गुण कथन, उनके गुणों की व्याख्या करना, गुण और दोष, निर्णय और तुलना, निर्णय करना, सही ठहराना और तुलना करना, जैसे स्थूल तत्वों को प्रमुखता दी जाती थी, पर आचार्य शुक्ल ने अपनी आलोचना में विश्लेषण को महत्व दिया, एनालिसिस को महत्व दिया, विवेचन, विवेचन मतलब इंटरप्रिटेशन, और निगमन, निगमन इंडक्शन मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, किसी कलाकृति की समीक्षा और आलोचना के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, जैसे तत्वों को प्रमुखता दी गई, जिसमें आलोचक की तटस्थता का तत्व भी निहित था, जिसमें आलोचक तटस्थ था, मतलब वह ना तो बहुत ज्यादा प्रभावित था उससे और ना ही जबरदस्ती उसका क्या है पूर्वाग्रह से ग्रस्त था कि कमी मुझे निकालना है इस रचना में या फिर इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाना है, दोनों ही बातें नहीं थी। कवि विशेष के सामान्य गुण दोष प्रकट करने के साथ ही उसके काव्य की मूल प्रवृत्तियों और उसमें निहित शाश्वत तत्वों की छानबीन भी की गई। तो आचार्य शुक्ल के समय में जो हिंदी आलोचना की गई उसमें जो कवि जिन्होंने कोई कविता या कोई रचना की कलाकृति की रचना की है उसके गुण दोष का विवेचन करना, उनके काव्य की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताना और उसमें निहित जो शाश्वत तत्व है, जो जीवन मूल्य है, जो नैतिकता है, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्य है, उन तत्वों की भी छानबीन की गई। कृति को देश काल सापेक्ष रखकर परखा गया, मतलब जिस और मानवीय मूल्यों को प्रमुखता दी गई, मतलब मानवतावाद को प्रमुखता दी गई, मानवीय मूल्य को, ह्यूमन वैल्यूज को प्रमुखता दी गई और कृति को देश काल, देश काल मतलब वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें उस कृति की रचना की गई, इन सबको ध्यान में रखकर उसकी विवेचना और आलोचना की गई। इतना ही नहीं, संस्कृत काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रकाश में नए पश्चिमी काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को भी स्थान दिया गया, मतलब भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों का यहाँ पर क्या किया गया, इन दोनों को मिलाकर देखा गया किसी भी रचना को, मतलब न केवल भारतीय काव्य शास्त्र के आधार पर किसी कृति की समीक्षा की गई बल्कि पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों को भी समीक्षा जगत में उनको स्थान दिया गया और समीक्षा की इस नई परिपाटी को जन्म देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही है, इसलिए इस युग को शुक्ल युग के नाम से अभिहित किया गया। मतलब भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों को मिलाने का काम, दोनों के संगम का जो काम किया, दोनों को मिलाने का जो काम किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया,
क्योंकि उनको पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र दोनों का ही गहरा अनुभव था, गहरा ज्ञान था। इसलिए उनके इस महानतम योगदान को देखते हुए, उनकी उपलब्धि को देखते हुए इस युग को शुक्ल युग के नाम से अभिहित किया गया, शुक्ल युग नाम दिया गया। इस युग में समीक्षा के लिए जो मापदंड और शैली अपनाई गई उसमें प्रमुख है। तो जो शुक्ल युग इन समीक्षा में जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो मूल विशेषताएं हैं, जो समीक्षा के मापदंड है, जो जो प्रवृत्ति है, जो शैली है, वो कौन कौन सी है? सुरुचि और नैतिकता। सुरुचि मतलब लोगों की क्या रुचि है, अच्छी रुचि। नैतिकता, नैतिक मापदंड। शास्त्रीयता, जो हमारे पुराने रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ या शास्त्र वगैरह हैं। कवि के व्यक्तित्व का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक रूप से कवि के व्यक्तित्व का अध्ययन। तुलना और निर्णय, दो या दो से अधिक कवियों की तुलना करना और उनके बारे में अपना निर्णय देना। और देश काल की समीक्षा, मतलब वो कौन सी परिस्थितियां थी, कौन सी ऐतिहासिक परिस्थितियां थी जिसमें उस कृति की रचना हुई। तो इन सब चीजों के आधार पर किसी कृति की आलोचना की जा रही थी। तो कह सकते हैं कि यह शुक्ल युगीन आलोचना की मूल प्रवृत्तियों के रूप में हम इसे देख सकते हैं। सुरुचि और नैतिकता के अंतर्गत देखते हैं, इस युग के आलोचकों ने साहित्य की नैतिक उपयोगिता को स्वीकार किया और वे कला में उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा के हिमायती रहे। मतलब कला केवल कला के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि कला समाज के लिए होनी चाहिए और कला के माध्यम से नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, नैतिक रूप से वे उपयोगी होना चाहिए कोई भी कला या कोई भी कलाकृति। इन आलोचकों ने माना कि साहित्य जीवन की व्याख्या है। तो जैसे हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो ऐसा ही इन आलोचकों ने माना कि साहित्य में क्या है, जीवन को व्याख्या की जाती है, जीवन को परिभाषित किया जाता है। साधारणीकरण का सिद्धांत भी उन्होंने स्वीकार किया। तो जो भारतीय काव्य शास्त्र में जो साधारणीकरण का सिद्धांत है उसको भी शुक्ल युग में उसको स्वीकार किया गया। यही वजह रही कि इस युग में केशव और कबीर और रीतिकालीन कवियों का महत्व कम माना गया है ना, क्योंकि इनकी रचनाओं में साधारणीकरण की भावना नहीं पाई गई इनके हिसाब से। तो केशव, कबीर और रीतिकालीन कवियों का महत्व कम माना गया, इसको ध्यान में रखना है आपको। जायसी की अपेक्षा कबीर के रहस्यवाद को तथा तुलसी की तुलना में सूर को कम आंका गया। तो शुक्ल युगीन जो आलोचना थी उसने जायसी को अधिक महत्व प्रदान किया, जायसी के रहस्यवाद को अधिक महत्व प्रदान किया, कबीर के रहस्यवाद को कम महत्व प्रदान किया। इसी प्रकार तुलसीदास को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया, सूरदास को कम महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। हालांकि बाद में शुक्ल युग ने सूर संबंधी अपनी मान्यताओं का खंडन किया। पहले सूरदास के संबंध में जो उनकी मान्यताएं थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, बाद में उन्होंने स्वयं उसका खंडन किया। दूसरी है शास्त्रीयता। इस कोटि की आलोचना की विशेषता है काव्य शास्त्र के अनुसार चलना, जो भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर किसी कलाकृति की व्याख्या करना, आलोचना करना। इस युग के आलोचकों ने भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार के तत्वों का उपयोग किया है, लेकिन शुक्ल जी की तरह यह समन्वय नहीं कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों का समन्वय किया, लेकिन ये जो शास्त्रीयता के आधार पर यहाँ पर जो आलोचना की जा रही थी, तो ये लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के स्तर का समन्वय नहीं कर पाए। उन्होंने रस, अलंकार, गुण, वृत्ति आदि का भी उपयोग किया तथा साथ ही साथ कल्पना, अनुभूति आदि पाश्चात्य तत्वों को भी ग्रहण किया। बाबू श्याम सुंदर दास में भी दोनों परंपराएं अलग अलग हैं। तो इनके साहित्य रोचक, तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या है, रस, अलंकार, गुण, काव्य की वृत्ति, काव्य की विशेषता आदि का सबका समन्वय किया, साथ ही साथ कल्पना, अनुभूति जैसे पाश्चात्य जो समीक्षा जगत से आए हुए शब्द हैं, जो अवधारणाएं उनको भी इन्होंने स्थान दिया। इसी प्रकार बाबू श्याम सुंदर दास ने भी साहित्य आलोचन में भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का सुंदर समन्वय किया है अपनी आलोचना में। साहित्य आलोचन इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी में कहानियों, नाटकों, उपन्यासों, निबंधों पर इस युग में शास्त्रीय समालोचना बहुत कम हुई है। कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध पर शास्त्रीय समालोचना कम हुई। उपन्यासों की आलोचना में वस्तु, वस्तु मतलब उसका कंटेंट, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, उद्देश्य आदि तथ्यों का पाश्चात्य दृष्टिकोण से विचार हुआ। अब वस्तु मतलब कथा वस्तु है ना, उसका जो थीम है, सब्जेक्ट मैटर है, चरित्र चित्रण, कैरेक्टराइजेशन, कथोपकथन तथा डायलॉग्स, उद्देश्य या प्रतिपाद्य आदि तत्वों का पाश्चात्य दृष्टिकोण से विचार हुआ। जैसे जनार्दन प्रसाद झा नाम के जो विद्वान है उन्होंने लिखा है प्रेमचंद की उपन्यास कला। तो इस समय की ये महत्वपूर्ण कृतियां हैं, तो आपको शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना में इन कृतियों का उल्लेख करना है।
अब कहानी और निबंधों के संग्रहों की भूमिकाओं में भी इन विधाओं की तात्विक समीक्षाएं भी हुई। कहानी और निबंध संग्रह की जो भूमिका लिखी गई उनमें भी जो विभिन्न विधाएं हैं इनकी जो हमने ऊपर देखा उसकी भी समीक्षाएं हुई। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल सिलीमुख आदि के कहानी संग्रहों की भूमिकाएं इसके अच्छे उदाहरण है। ये कुछ राइटर हैं, इन्होंने इस संबंध में लिखा है। वैधानिक समालोचना किसे कहा जाता है? जिसमें शास्त्रीय तत्वों का आरोप किया गया हो। शास्त्रीय मतलब भारतीय काव्य शास्त्र से जो प्राप्त तत्व है समीक्षा के, उनका समावेश किया गया। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है पंडित धर्मेंद्र ब्रह्मचारी द्वारा लिखित महाकवि हरिऔध का प्रिय प्रवास है, जिसमें रस अलंकार की दृष्टि से तो विचार किया ही गया है, पाश्चात्य साहित्य सिद्धांतों की दृष्टि से भी जांचा परखा गया है। तो पंडित धर्मेंद्र ब्रह्मचारी जी का जो आलोचनात्मक ग्रंथ है महाकवि हरिऔध का प्रिय प्रवास, उसमें भारतीय काव्य शास्त्र के रस सिद्धांत अलंकार सिद्धांत इनकी दृष्टि से तो विवेचन किया गया है, विचार किया गया है, आलोचना की गई है। साथ ही साथ जो पाश्चात्य काव्य सिद्धांत है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, उसके दृष्टिकोण से भी इसकी आलोचना की गई है, इसे जांचा परखा गया है। इस युग में शास्त्रीय समीक्षा के कुछ अच्छे उदाहरण हैं प्रेम नारायण टंडन का गोदान और गबन, श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का प्रसाद जी के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन, डॉक्टर सत्येंद्र रचित प्रेमचंद की कहानी कला। तो यह शास्त्रीय आलोचना के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। कवि के व्यक्तित्व का अध्ययन। शुक्ल युग के आलोचकों ने आलोच्य कवियों मतलब जिस कवि की आलोचना की जा रही है उनकी रचनाओं के अध्ययन के साथ साथ कवि के व्यक्तित्व को समझने समझाने का प्रयत्न किया है। वस्तु विन्यास, रस पद्धति, अलंकार नियोजन, चरित्र कल्पना, जीवन की व्याख्या आदि का विश्लेषण करके कवि की सामान्य प्रवृत्तियों का उद्घाटन करना ही आलोचक का मुख्य ध्येय हो गया। तो इस समय न केवल किसी कवि की रचनाओं का रस पद्धति, अलंकार नियोजन इत्यादि के दृष्टिकोण से, चरित्र और कल्पना इत्यादि के दृष्टिकोण से न केवल उसकी रचना का विवेचन किया गया, बल्कि उस कवि के व्यक्तित्व को समझने का, उसके व्यक्तित्व की व्याख्या करने का भी प्रयास किया गया। इस प्रकार कवि की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं, कवि की जो सामान्य विशेषताएं हैं, जो उसके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं हैं, उनका उद्घाटन करना भी आलोचक का मुख्य उद्देश्य हो गया। इसके अतिरिक्त कवि की कृतियों के आधार पर उसकी चिंतन धारा का भी अध्ययन किया गया कि उसके चिंतन धारा कौन सी है, उनका दर्शन क्या है जीवन का। जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखित कबीर और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल कृत निर्गुण संप्रदाय संबंधी आलोचना, मतलब उस समय जो बड़े बड़े कवि हुए थे उन कवियों की जब इन्होंने व्याख्या किया, उनका आलोचना किया उनका कृतियों का, तो उसके माध्यम से यह भी समझने का प्रयास किया कि वे किस प्रकार की चिंतन धारा से, किस प्रकार के दर्शन से वे प्रभावित थे, किस दर्शन का उन्होंने अपनी कविताओं में उल्लेख किया है और उसका वर्णन किया है। शुक्ल युग में आलोचना की एक और पद्धति सामने आई जिसे कहा जाता है मनोवैज्ञानिक, मतलब ये कवि के व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे तो मनोविज्ञान तो आ ही जाएगा उसमें, व्यक्तित्व मतलब मनोविज्ञान, जिसमें कवि के व्यक्तित्व और कलाकृति में अभिन्न संबंध स्थापित किया गया। इस पद्धति में आलोचक कवि के व्यक्तित्व का वांश स्पष्ट कर देता है, मतलब कवि की कृतियों की बस आलोचना नहीं की गई बल्कि कवि के व्यक्तित्व का भी गहन अध्ययन किया गया, उसकी विस्तार से व्याख्या और विवेचना की गई और कवि और उसकी कृति में अभिन्न संबंध, अटूट संबंध स्थापित किया गया। तो इस पद्धति में आलोचक कवि के व्यक्तित्व का वह अंश स्पष्ट कर देता है जिससे कवि को अपनी विशेष विचारधारा और भावात्मकता के लिए सामग्री और प्रेरणा प्राप्त हुई। मतलब जब हम कवि के व्यक्तित्व का विवेचन करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तब पता चल जाता है कि वह किस विशेष विचारधारा और किस प्रकार की भावनात्मक स्थिति में वह इस काव्य रचना को करने के लिए प्रवृत्त हुआ, काव्य रचना करने के लिए आगे आया और उसने रचना की, कहां से उसे प्रेरणा प्राप्त हुई। प्रेरणा और सामग्री। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के विवेचन में इस पद्धति को अपनाया, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब तुलसीदास नाम की आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा तब उसने कवि के व्यक्तित्व पर पूरा रोशनी डाला, उसका अध्ययन किया और पता चला कि वह कहां से तुलसीदास जी ने सामग्री और प्रेरणा प्राप्त की रामचरितमानस लिखने के लिए या फिर अन्य रचनाओं की रचना के लिए। डॉक्टर सत्येंद्र ने गुप्त जी की कला पर भी इसी दृष्टि से विचार किया है। डॉक्टर सत्येंद्र ने गुप्त जी के बारे में लिखा, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। इस युग में चरित्र मूलक आलोचना के भी फुटकर प्रयास हुए, इसमें कवि द्वारा कथित अंतरंग प्रमाणों के आधार पर जीवनी का अध्ययन किया जाता है। मतलब चरित्र मूलक मतलब बायोग्राफी, किसी कवि की रचना को पढ़कर उसकी बायोग्राफी तक पहुंच जाना, उसकी जीवनी के बारे में अध्ययन करना, उसका भी आलोचना यहाँ पर इस समय किया जा रहा था। तुलना और निर्णय भी यहाँ पर किया गया, दो कवियों की तुलना करना फिर निर्णय देना कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं,
ये दोनों पद्धतियां आराम से ही चली आ रही थी। पहले भी हमने देखा है द्विवेदी युग में यह पद्धति थी तुलना और निर्णय की। कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास आदि प्राचीन कवियों पर इसी तरह की आलोचना हुई शुक्ल युग में। शुक्ल जी कबीर के रहस्यवाद को साधनात्मक रहस्यवाद मानते हैं, अपर उनमें प्रेम प्रेम की व्यंजना नहीं मिलती। अतः शुक्ल जी की दृष्टि से जायसी का रहस्यवाद अधिक स्वाभाविक और हृदय स्पर्शी है, लेकिन बाबू श्याम सुंदर दास को यह मान्य नहीं है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं कबीर के जो रहस्यवाद हैं उसे वे क्या मानते हैं, साधनात्मक रहस्यवाद। और जो जायसी हैं उनमें क्या है, उन जायसी के रहस्यवाद में उन्हें प्रेम की अभिव्यंजना दिखाई देती है, प्रेम की अभिव्यक्ति दिखाई देती है, इसीलिए वे जायसी को कबीर से श्रेष्ठ ठहराते हैं। लेकिन बाबू श्याम सुंदर दास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से सहमत नहीं है। इस प्रकार इन दोनों आलोचनाओं में तुलना और निर्णय स्पष्ट है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देवर बिहारी लिखा, कृष्ण बिहारी मिश्र, और भगवान दीन ने लिखा बिहारी और देव, तो इन्होंने तुलनात्मक आलोचना पद्धति अपनाई। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को बड़ा कवि साबित किया और भगवान दीन ने बिहारी को देव से ज्यादा बड़ा कवि साबित किया। और देश काल की समीक्षा आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जिस समय कोई साहित्य रचा गया, किसी कला किसी कृति की रचना की गई, उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियां कैसी थी, सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी, साहित्य को उसकी परिस्थितियों में रखकर आंकने की आलोचनात्मक पद्धति का सूत्रपात शुक्ल जी ने ही किया। तो किसी कृति को उसकी परिस्थितियों के आधार पर उसकी आलोचना करने का जो शुरुआत है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही शुरू किया। उन्होंने सूरदास, तुलसीदास आदि कवियों के महत्व को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखकर आंका। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया। तो आज जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम पढ़ते हैं वह वास्तव में हिंदी शब्द सागर की भूमिका है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कवियों एवं काव्य धाराओं के देश काल पर भी विचार किया है। मतलब जिस समय कोई कवि काव्य रचना कर रहे थे उस समय की परिस्थितियां कैसी थी, ऐतिहासिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी, उस पर भी विचार किया है कवियों और उनकी काव्य धाराओं के अध्ययन में। इस युग के आलोचकों ने भी इस ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति का उपयोग किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्रेरित होकर अन्य जो आलोचक हुए उन्होंने भी इस ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति का उपयोग किया कि ऐतिहासिक परिस्थितियों के आधार पर, ऐतिहासिक मापदंडों के आधार पर किसी कृति की समीक्षा करना। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण की कविता को देश काल की परिस्थितियों में रखकर उस पर विचार किया है। तथा भूषण की कविता पर इन्होंने विचार किया कि उस समय परिस्थितियां किस प्रकार की थी, ऐतिहासिक परिस्थितियां। तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भूषण की कविता का आलोचना किया। और शुक्ल युग के जो प्रमुख आलोचक कौन कौन से, ये देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के कौन कौन से प्रमुख आलोचक हैं, बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि। तो इनमें जो कुछ प्रमुख आलोचक हैं हम उनकी आलोचना दृष्टि और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना क्षेत्र में प्रवेश करते ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, साहित्यिक रुचि में परिवर्तन। तो पहले जो भारतेंदु युग या द्विवेदी युग में जो साहित्य के प्रति लोगों की रुचि थी वो अलग प्रकार की थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब आलोचना शुरू किया तब लोगों की रुचि में परिवर्तन किया, साहित्यिक रुचि में बदलाव लाया। इससे पूर्व हिंदी के आलोचक रीति साहित्य को ही उपयुक्त मानते थे। इनके पहले हिंदी के जो आलोचक थे वे भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रीति साहित्य को उपयुक्त मानते थे, रीतिकालीन साहित्य को। शुक्ल जी ने पूरी साहित्यिक परंपरा का पुनर्गठन किया, नया निर्माण किया, पुनर्गठन किया इस परंपरा का। उन्होंने अपनी व्यवहारिक आलोचना के माध्यम से हिंदी कवियों का जो क्रमिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया वह उनके समय की बदली हुई रुचि का प्रमाण है। तो उन्होंने रीति साहित्य से हटकर उन्होंने व्यवहारिक रूप से उनकी आलोचना किया। व्यवहारिक आलोचना मतलब सैद्धांतिक आलोचना के सिद्धांत उन्होंने ग्रहण किया भारतीय काव्य शास्त्र से और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से, और इन दोनों का समन्वय कर उन्होंने व्यवहारिक आलोचना प्रस्तुत किया। और जितने भी कवि हुए उनका उन्होंने क्रमिक आलोचना प्रस्तुत किया, क्रमिक मूल्यांकन प्रस्तुत किया। तो यह उनके समय की बदली हुई रुचि का प्रमाण है। शुक्ल जी ने लोक मंगलकारी रूप को साहित्य के मूल्यांकन का आधार बनाया और पहली बार मूल्यांकन के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। शुक्ल जी के अनुसार कोई भी साहित्य क्या होना चाहिए, लोगों का कल्याण करने वाला होना चाहिए। साहित्य का लोक मंगलकारी रूप होना चाहिए। साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लोगों का कल्याण, समाज का कल्याण होना चाहिए। इसको इन्होंने अपने मूल्यांकन का आधार बनाया
और मूल्यांकन के नए और मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसके पहले किसी ने भी समाज के सापेक्ष रूप में किसी भी रचना को देखने का प्रयास नहीं किया था। तो इन्होंने अपने मौलिक सिद्धांत दिए कि साहित्य क्या है, समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, समाज के लिए मंगलकारी होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। उन्होंने प्राचीन भारतीय तथा पाश्चात्य आलोचना सिद्धांतों का गहन अध्ययन कर समन्वयवादी आलोचना सिद्धांतों की रचना की। इस प्रकार उन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र और प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्य सिद्धांत दोनों का समन्वय करके एक नई आलोचना दृष्टि विकसित की, समन्वयवादी आलोचना सिद्धांतों की रचना की। शुक्ल जी ने कविता क्या है, साहित्य, काव्य में रहस्यवाद आदि निबंधों से सैद्धांतिक समीक्षा का सूत्रपात किया। तो इनके कुछ प्रमुख निबंध हैं, सैद्धांतिक समीक्षा इन्होंने शुरू किया। चिंतामणि में संकलित निबंधों से उनके व्यापक अध्ययन और गहरी दृष्टि का परिचय मिलता है। जो चिंतामणि में जो विभिन्न प्रकार के उनके जो निबंध उनको जब आप पढ़ेंगे तब पता चलता है कि उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया था और उनका दृष्टिकोण बहुत गंभीर और व्यापक था। तो ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं कि ये किसकी किसका निबंध है या किसकी रचना है। शुक्ल जी ने हिंदी में पहली बार रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उन्होंने मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर रस की विवेचना किया, उसे मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। रस मीमांसा में रस के शास्त्रीय विवेचन की मौलिक व्याख्या की है ना, रस मीमांसा रस सिद्धांत जो है उसकी उन्होंने क्या किया, मौलिक व्याख्या की। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा तो माना परंतु रस की परंपरागत व्याख्या उन्हें मान्य न थी। वे भी रस को काव्य की आत्मा तो मानते थे लेकिन पारंपरिक रूप से जो रस की व्याख्या की जा रही थी वह उन्हें मान्य नहीं थी। उन्होंने अपने रसवाद में अनुभूति को सर्वोपरि महत्व देकर उसे लोकमानस से जोड़ा। तो उन्होंने रस में किसको ज्यादा सबसे महत्व दिया, अनुभूति को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, और उसे लोकमानस से जोड़ा, लोगों के हृदय से जोड़ा, लोगों के जीवन से जोड़ा। मतलब रस की अनुभूति को किससे जोड़ा, लोगों के फीलिंग्स और इमोशन से और लोगों के जीवन से जोड़ा। वे अनुभूति प्रधान काव्य को ही उत्तम काव्य समझते थे, मतलब वे उसी काव्य को उत्तम समझते थे जिसमें अनुभूति की गहनता हो, जिसमें बहुत फीलिंग्स एंड इमोशंस की तीव्रता हो, भावना की तीव्रता हो, भावावेग हो। उनकी अनुभूति आत्माभिव्यक्ति प्रधान अनुभूति से भिन्न थी। उनकी अनुभूति आत्माभिव्यक्ति मतलब जैसे छायावादी कवि है, उन्होंने केवल अपने सेल्फ अपनी भावनाओं का विवेचन, अपनी भावनाओं का अभिव्यक्ति प्रदान किए, इसे कहा जाता है आत्माभिव्यक्ति। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो अनुभूति है वह आत्माभिव्यक्ति, खुद की अभिव्यक्ति से भिन्न है। उनका मानना था कि लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। इस प्रकार उन्होंने साधारणीकरण की पुनः प्रतिष्ठा की। तो उनका मानना था जो कवि है उसे अपनी अनुभूति का ही, अपनी अनुभूति को इस प्रकार से उसका अभिव्यक्ति करना चाहिए कि वह लोगों की अनुभूति बन जाए, लोक अनुभूति बन जाए। मतलब यदि किसी कवि ने कोई रचना की है तो उसका पढ़ते समय पाठक को यह लगे कि कवि ने मेरी भावनाओं का अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो इसे कहते हैं लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रसदशा है, और इसे ये भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण कहा जाता है। मतलब किसी कविता को पढ़ते समय यदि पाठक को यह लगता है कि कवि ने तो मेरे दिल की बात कह दी, मेरी भावनाओं का अभिव्यक्ति प्रदान कर दी, तो इस समय जो कवि की जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो एक आम आदमी के फीलिंग्स और इमोशंस बन जाते हैं, और इसे ही कहा जाता है साधारणीकरण। तो इसकी इन्होंने पुनः प्रतिष्ठा किया। अब ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे क्या थे, रसवादी समीक्षक थे, नीतिवादी समीक्षक थे। नीतिवादी मतलब वैल्यूज है ना, नीति, और लोक मंगलवादी, लोगों का मतलब जो साहित्य होना चाहिए वह लोक मंगलकारी होना चाहिए। तो ये इनके मुख्य विशेषता है, रसवादी, नीतिवादी मतलब नैतिक वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, और लोक मंगलवादी होने के कारण शुक्ल जी ने तुलसी और जायसी के काव्य संस्था का उद्घाटन किया। काव्य संस्था मतलब उसकी सुंदरता का। तो तुलसीदास जी और जायसी के काव्य को बहुत ज्यादा पसंद करते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इनकी काव्य की जो सुंदरता है उसका उद्घाटन किया, उसकी व्याख्या की। परंतु ये कबीर, रीतिकाल और छायावाद की कवियों को उचित महत्व न दे सके, लेकिन ये कबीरदास के साथ न्याय नहीं कर सके, रीतिकालीन कवियों के प्रति न्याय नहीं कर सके, और छायावाद के जो कवि हैं उनकी कविता को ये समझने में कुल मिलाकर बहुत ज्यादा उसको नहीं समझ पाए, उसको महत्व नहीं दे पाए, मतलब ऐसा मानते हैं आलोचक लोग। इसी तरह प्रबंध काव्य को उन्होंने श्रेष्ठ माना, प्रबंध काव्य तो महाकाव्य को उन्होंने श्रेष्ठ माना, और मुक्तक काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य तथा गीतात्मकता को उनका उतना समर्थन नहीं मिल पाया। गीतात्मकता मतलब जिसमें गीत प्रगीत इत्यादि लिखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर उनका कहना था कि जो महाकाव्य है, जो प्रबंध काव्य है वो श्रेष्ठ होता है, जो खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, गीति काव्य है, प्रगीत काव्य है,
इसको उन्होंने ज्यादा महत्व प्रदान नहीं किया। तो यह सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। शुक्ल जी के आलोचक व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता थी व्यापक और सजग दृष्टि, मतलब हमेशा सचेत रहते थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे और जितनी भी विचारधाराएं उनके समकालीन विचारधाराएं थी उनसे पूरी तरह से वे परिचित थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे। अपने समय के हर साहित्यिक विवाद की तरफ उनका ध्यान जाता था और वह उस पर अपनी राय भी देते थे। तो उस समय जो भी नई नई विचारधाराएं आ रही थी, नए नए साहित्यिक विवाद चल रहे थे, उन पर उनका ध्यान था और उनका दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक था। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, मतलब विभिन्न साहित्य को, और भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों का उन्होंने गहन अध्ययन किया था। जितनी लगन से वे प्राचीन और मध्ययुगीन काव्य का विवेचन करते थे उतना ही ध्यान आधुनिक साहित्य और विषयों पर भी देते थे। मतलब न केवल उन्हें प्राचीन और मध्यकालीन काव्य की आलोचना में उन्हें महारत हासिल था, बल्कि आधुनिक साहित्य पर भी उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमांड था, उनका महारत हासिल था। तभी तो काव्य के अतिरिक्त अपने समय के गद्य साहित्य की सभी पद्धतियों और प्रवृत्तियों को समझकर उन्होंने इतिहास में उसका विवेचन किया। तो जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उन्होंने, तो तब उन्होंने अपने समय के काव्य का ही बल्कि गद्य साहित्य में जो उस समय प्रचलित पद्धतियां थी और जो प्रवृत्तियां उस समय गद्य साहित्य में प्रचलित थी उसको भी उन्होंने समझा और अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उसकी आलोचना और विवेचना प्रस्तुत किया। निबंध की विवेचना करते हुए उन्होंने लिखा, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। मतलब यदि कवियों और लेखकों के विचार गद्य के रूप में बहुत बेहतरीन तरीके से अभिव्यक्ति पाते हैं तो निबंध क्या है, निबंध जो है गद्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। मतलब यदि कवि और लेखक गद्य के रूप में अपनी भावना को सर्वश्रेष्ठ तरीके से अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, ये तो ठीक है, पहली बात हो गई कि कोई भी कवि या लेखक गद्य, ये पहला भाग है, कोई भी कवि या लेखक गद्य के रूप में अपनी भावनाओं को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो मतलब गद्य अच्छा हो गया उनके लिए। और निबंध क्या है, गद्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है, निबंध गद्य की कसौटी है। गद्य का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या होता है, निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, क्योंकि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। मतलब भाषा अपने पूरे सर्वश्रेष्ठ रूप में निबंधों में ही उभर कर आती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, रचना ग्रंथ जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, तो ये इनके महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ है। बाबू श्याम सुंदर दास भी शुक्ल युगीन आलोचक हैं, इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। बाबू श्याम सुंदर दास का शुक्ल जी के समकालीन आलोचकों में बहुत ही प्रमुख स्थान है, इन्होंने भी आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। बाबू श्याम सुंदर दास ने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों क्षेत्रों में कार्य किया, लेकिन शुक्ल जी की तरह वे दोनों का समन्वय नहीं कर सके। सैद्धांतिक आलोचना किसको बोलते हैं, जैसे भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो सिद्धांत हैं, जो विचारधारा है, उन सिद्धांतों को ग्रहण करना, उसके आधार पर आलोचना करना। और व्यवहारिक आलोचना मतलब उन भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र हैं दोनों के सिद्धांतों को मिलाकर किसी रचना की समीक्षा करना व्यवहारिक रूप से। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस प्रकार भारतीय काव्यशास्त्र और प्राचीन काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का समन्वय किया था, उस तरह बाबू श्याम सुंदर दास सफलतापूर्वक दोनों का समन्वय नहीं कर पाए। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है साहित्यालोचन। साहित्यालोचन ग्रंथ की रचना उन्होंने एमए के विद्यार्थियों को विषय की अधिकाधिक जानकारी देने के लिए की थी। इसकी रचना एमए के विद्यार्थियों के लिए की थी। इस ग्रंथ में उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य सिद्धांतों का समन्वय कर साहित्य सिद्धांत समीक्षा को उदार बनाया। तो जो साहित्यालोचन नाम का इनका जो ग्रंथ है, इसमें उन्होंने भारतीय काव्य सिद्धांत, भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्य सिद्धांत दोनों का समन्वय किया और साहित्य की समीक्षा को उदार बनाया समन्वय करके। बाबू श्याम सुंदर दास का सिद्धांत प्रतिपादन शास्त्रीय एवं तर्क संगत है। शास्त्रीय मतलब काव्य सिद्धांतों पर आधारित है, भारतीय एवं पाश्चात्य, और तर्क संगत है, लॉजिकल है। उन्होंने कवियों की प्रामाणिक जीवनी अद्वितीय ढंग से प्रस्तुत की। कवियों का जो बायोग्राफी था, इन्होंने इनके लिखने का स्टाइल बहुत ही जबरदस्त था, कि जीवनी जो लिखते थे वो। इन्होंने रस और अलंकार के साथ साथ उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि नवीन विधाओं का भी विवेचन किया। तो इन्होंने केवल रस और अलंकार का ही नहीं बल्कि कहानी, निबंध, आलोचना आदि विधाओं का भी विवेचन किया, उनकी आलोचना की। और नाटक पर उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, रूपक रहस्य। तो इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं, आलोचना ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली की भूमिका,
हिंदी साहित्य का इतिहास तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र इनकी व्यवहारिक आलोचना के प्रतिनिधि ग्रंथ है। ये इनके प्रतिनिधि प्रमुख ग्रंथ है। इनके अतिरिक्त बाबू श्याम सुंदर दास ने पत्र पत्रिकाओं में बहुत से आलोचनात्मक लेख भी लिखे। नागरी प्रचारणी पत्रिका में तो उनके लेख बराबर ही प्रकाशित होते रहे। तो केवल इन्होंने आलोचना ग्रंथों का ही की रचना नहीं की, बल्कि नागरी प्रचारणी पत्रिका में बहुत सारे इनके आलोचनात्मक लेख और निबंध भी प्रकाशित होते रहे। प्राचीन पुस्तकों के शोध कार्य का विवरण भी इसी पत्रिका के माध्यम से देते रहे, जो कम महत्व नहीं रखता। मतलब प्राचीन पुस्तकों के जो शोध हुए थे उन पर का भी विस्तृत विवरण उन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका के माध्यम से दिया, जो बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी आलोचना के विकास में। इस प्रकार बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी के आलोचना शास्त्र को स्वतंत्र रूप से विकसित करने का प्रयत्न किया और इस दिशा में कार्य करने के लिए अध्यापकों और शोधार्थियों को प्रोत्साहित किया। तो न केवल उन्होंने हिंदी आलोचना को समृद्ध किया अपने ग्रंथों और अपने रचनाओं के माध्यम से, बल्कि अपने समकालीन आलोचकों, प्राध्यापकों और शोधार्थियों, रिसर्च स्कॉलर्स को भी इस दिशा में प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। अब बाबू गुलाब राय शुक्लयुगीन जो दूसरे महत्वपूर्ण आलोचक है, बाबू गुलाब राय ने साहित्य संदेश नामक आलोचनात्मक पत्रिका का संपादन किया। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है साहित्य संदेश का संपादक कौन थे। तो इन्होंने साहित्य संदेश नामक आलोचनात्मक पत्रिका का संपादन करके हिंदी आलोचना के प्रचार प्रसार में काफी योग दिया। उन्होंने दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर काव्य सिद्धांतों की परख जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत ग्रंथ में की। तो मतलब काव्य के सिद्धांतों की परख को किस आधार पर किए? दार्शनिक आधार पर किए, काव्य के सिद्धांतों की आलोचना की, और मनोवैज्ञानिक आधार पर काव्य सिद्धांतों की परख की, और इस आधार पर एक किताब लिखा जिसका नाम था जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। इस ग्रंथ में इन्होंने किया काव्य सिद्धांतों की परख या मूल्यांकन। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का मध्ययुगीन काव्य की साफ सुथरी टीकाओं के लिए तत्कालीन आलोचना में महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब मध्ययुगीन काव्य की इन्होंने आलोचना की, जो कि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तत्कालीन आलोचना। तो इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? वांग्मय विमर्श आलोचना ग्रंथ, बिहारी की वाग विभूति, हिंदी साहित्य का अतीत और हिंदी का सामयिक साहित्य। इन ग्रंथों की रचना द्वारा मिश्र जी ने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समीक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया। सैद्धांतिक मतलब वही जो भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र और विभिन्न नए नए सिद्धांत जो आए आलोचना के क्षेत्र में, उसका इन्होंने निर्माण किया, और व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय काम किया। अब तीसरे दशक की आलोचना के विकास में छायावादी कवियों का भी उल्लेखनीय योगदान है। इस समय छायावादी काव्य पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लगाए गए आरोपों के जवाब में छायावादी कवियों ने अपनी कविता के बचाव में जो आलोचनाएं लिखी उनका बड़ा महत्व है। उन्होंने आलोचना को नई दिशा देने के लिए प्राचीन शास्त्रवादी साहित्यिक मूल्यों का तो विरोध किया ही, नए मूल्यों के प्रश्न भी खड़े किए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की जो छायावादी जो प्रवृत्ति है उसकी आलोचना की थी, वो उसको उतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे और उन पर कई आरोप भी लगाए। तो इन आरोपों का जवाब देने के लिए छायावादी कवियों ने जो समीक्षा लिखी, जो आलोचना लिखी, उनका भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। और उन्होंने प्राचीन शास्त्रवादी मूल्यों का भी विरोध किया, प्राचीन शास्त्रवादी साहित्यिक मूल्यों का विरोध किया, और उन्होंने नए प्रश्न भी खड़े किए कि छायावादी कविता का मूल्यांकन प्राचीन मापदंडों के आधार पर नहीं, बल्कि वर्तमान समय के मापदंडों के आधार पर होना चाहिए। सबसे पहले सुमित्रनंदन पंत ने पल्लव और वीणा की भूमिकाओं में रीतिकाल से द्विवेदी युग तक की कविताओं की कमियां बताते हुए छायावादी कविताओं की वकालत की। सुमित्रनंदन पंत ने पल्लव की भूमिका लिखी, और पल्लव की भूमिका को ही छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स का जो उन्होंने जो लिखा था, प्रीफेस लिखा था, उसे क्या है, छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, उसकी जो भूमिका लिखी थी। और वैसे ही सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव की जो भूमिका लिखी थी छायावाद को स्पष्ट करने के लिए, इसे छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो इसके माध्यम से इन्होंने रीतिकाल से द्विवेदी युग तक की जितनी भी कविताएं थी उनकी कमियां बताया, और बताया कि छायावादी कविता उनसे क्यों श्रेष्ठ है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद दूसरे छायावादी कवि हैं। इन्होंने 1936 में हंस पत्रिका के अनेक अंकों में काव्य की आलोचना विषयक निबंध लिखे, जिसका संकलन बाद में काव्य और कला तथा अन्य निबंध शीर्षक से हुआ। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसमें इन्होंने काव्य की आलोचना के संबंध में अपने निबंध लिखे, काव्य और कला तथा अन्य शीर्षक निबंध, अन्य निबंध। इन निबंधों में उन्होंने काव्य और कला, रहस्यवाद,
नाटकों में रस का स्थान, रंगमंच, यथार्थवाद, छायावाद आदि के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। तो यह है प्रसाद ने छायावाद की आलोचना, छायावाद की आलोचना से संबंधित तीन काम किए। जयशंकर प्रसाद के तीन महत्वपूर्ण काम थे, छायावाद को भारतीय चिंतन परंपरा से विकसित माना। पहले माना जाता था कि जो छायावाद है वो पश्चिमी देशों का इस पर प्रभाव है ना, लेकिन छायावाद के इन्होंने बोला कि भारतीय चिंतन परंपरा से यह विकसित हुआ है। छायावाद को मात्र शैली चमत्कार ना मानकर उसका संबंध अनुभूति चमत्कार से जोड़ा। मतलब यह बोला कि केवल एक लिखने का स्टाइल नहीं है कि छायावाद में छायावादी कविता इस तरह से लिखी जाती है, बल्कि वो फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, अनुभूति को एक्सप्रेस का व्यक्ति प्रदान करने का एक तरीका है। तथा छायावादी काव्य में निहित शिवत्व के दर्शन कराए। शिवत्व मतलब कल्याणकारी। तथा उन्होंने यह भी बताया कि छायावादी काव्य किस प्रकार लोक मंगलकारी है, जन कल्याणकारी है ना। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही कल्याणकारी है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी लिखा था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पंत और पल्लव शीर्षक निबंध माला में कविताओं का सूक्ष्म विश्लेषण किया, इनकी आलोचना प्रस्तुत की। परिमल की भूमिका में निराला ने मुक्त छंद के विवेचन द्वारा हिंदी में एक नए छंद शास्त्र की स्थापना की। परिमल की भूमिका में उन्होंने लिखा कि छंद की मुक्ति का प्रश्न मनुष्यों की मुक्ति का प्रश्न है। जिस प्रकार मनुष्यों को मुक्ति प्रदान की जानी चाहिए, उसे भी कविता को भी छंद से मुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। मुक्त छंद का प्रयोक्ता इन्हें माना जाता है, मुक्त छंद की जो शब्दावली है, मतलब कविता को छंद के शासन से मुक्त हो जाना चाहिए। छंद का जो बंधन है उससे कविता को मुक्ति प्रदान करने का इन्होंने प्रयास किया और एक नए छंद शास्त्र की स्थापना की। इतना ही नहीं, छायावाद के संदर्भ में अपने विरोधियों को उत्तर देने के लिए अनेक पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे। छायावाद का जो विरोध कर रहे थे तो उनका जवाब देने के लिए कई पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे, जिनमें भाषा, छंद, तुक, लय, समसामयिकता, सार्वदेशिकता, सार्वदेशिकता मतलब होता सब देशों से संबंध, स्थानीयता आदि को लेकर अनेक मौलिक प्रश्न उठाए जो भावी आलोचना के लिए मार्गदर्शक बने। तो उन्होंने जो आलोचना लिखी उसने सभी विषयों पर विचार किया। कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, छंद का क्या महत्व है, तुक और लय होना चाहिए कि नहीं, समसामयिक होना चाहिए कि कंटेम्प्ररी होना चाहिए कि नहीं, और सार्वदेशिकता यूनिवर्सल होना चाहिए कि नहीं, इन सब के ऊपर मौलिक प्रश्न उठाए और भावी आलोचकों के लिए मार्गदर्शक बने, उनका पथ प्रशस्त किया। महादेवी वर्मा ने भी सांध्य गीत, जो उनकी कविता संकलन है, सांध्य गीत की भूमिका में छायावाद और रहस्यवाद की व्याख्या का प्रयत्न किया। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, या प्राय परीक्षा में पूछा जाता है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध किसकी रचना है, चाहे आप यूजीसी नेट सेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी हिंदी, तो ये सभी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध उनके स्फुट लेखों का संग्रह है। स्फुट मतलब विभिन्न प्रकार के विचारों का इसमें उल्लेख है, तो ये बहुत है। इसके बाद छायावाद के समर्थक कौन कौन से यहाँ पर वो हुए थे आलोचक, आचार्य छायावाद के समर्थक आलोचक कौन कौन से देख लेते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, अवध उपाध्याय, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामनाथ लाल सुमन और डॉक्टर नगेंद्र, ये कुछ महत्वपूर्ण आलोचक हैं जो छायावाद का इन्होंने समर्थन प्रदान किया। तो इस प्रकार हमने देखा कि शुक्ल युगीन आलोचना की क्या विशेषताएं हैं और कौन कौन से प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ इस समय लिखे गए और कौन कौन से प्रमुख आलोचक हैं। तो आगे भी यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी, हिंदी आलोचना को मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। तो अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का यह प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।